अच्छा गेमर यार एक सेकंड, ये थोड़ा सही नहीं किया यार तुमने। पैस क्यों है? अबे नहीं 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 नहीं, रहने दो, मेरे को दिखा, मैं अंधा नहीं हूँ, साफ दिखा। वो लेजेंडरी स्फीयर फेंका है तुमने, खा लो माँ कसम, तुमने लेजेंडरी नहीं फेंका, बोलो खा लो कसम। नहीं भाई, तो तुम क्या अपने आप को ज्यादा प्रो समझ रहे हो? अगर ऐसा ही है ना। हाँ। नहीं मैं प्रो नहीं समझ रहा। नहीं तो फिर बात क्या है? आज से ठीक 30 दिन बाद मिलते हैं यहीं पे पोकेमॉन वर्ल्ड में, ठीक है? 30 क्या, तुम 60 दिन ले लो, जितने दिन ले लो, ओके? उतने दिन बाद भाई हम लोग अरीना ट्रेनिंग में अपने पैल के साथ, अपने पावरफुल पैल के साथ आएंगे, देखेंगे कौन सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जो बंदा हारेगा। व्हाट, एक मिनट, अबे यार ये पोकेमॉन वाले क्या कर रहे भाई, मेरे को फिर से नंगा पुंगा बना दिया। अबे यार मत करो ऐसा, इतनी मुश्किल से तो मैं पता नहीं कैसे कैसे 4-5 मैंने पकड़े थे पोकेमॉन्स को, अब मेरे को मेरे वर्ल्ड में जाना है, फिर नंगा पुंगा बना दिया। लेकिन नहीं यार मस्त लग रहा, कैरेक्टर मस्त लग रहा है, भाड़ में जाइए सब। लेकिन एक मिनट, पोके वर्ल्ड। अच्छा गेमर भाई, इतने बुरे दिन आ गए क्या कि मैं इस बंदे को देखूंगा? लेकिन अरे गाइस, तो सच में कोई प्लेयर है यार, एक मिनट। व्हाट, ओए हेलो हेलो, अबे सच में तुम हो भाई? अरे बेकार भाई, तुम हो क्या? अरे यहाँ कैसे? अरे भाई यार तुम इधर कैसे आ गए अपना सड़ा वसा मुंह लेके? अरे लेकिन तुम्हारा मुंह, अरे नहीं तुम तो सुंदर लग रहे हो यार, तुम्हारा मजाक भी नहीं बना सकता। अरे लेकिन मजाक नहीं, तुम पैल वर्ल्ड खेलते हो ना, तो पोके वर्ल्ड में कैसे? भाई मुझे नहीं पता यार, एक कोई तो एक मर्चेंट आया था यार, वो मर्चेंट को भाई लिटरली मैंने अपना भाई उसको जेट्रा ड्रैगन दिया था अपग्रेड करने के लिए। एक सेकंड, रुको, ब्लैक मार्केटर की तो बात नहीं कर रहे कहीं तुम? एक मिनट भाई, हाँ यार ब्लैक मार्केटर की बात कर रहा हूँ, एक मिनट, तुम्हें कैसे पता? अब ये मत बोलना वो तुम्हारा ही आदमी है। नहीं वो मेरा आदमी औरत कुछ नहीं है, अरे वो नूबड़ा मेरे वर्ल्ड में था, वो साला पता नहीं किस पोकेमॉन को पकड़ने के लिए गया और तब से वो गायब हो रखा है, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ उसको अपने वर्ल्ड में। व्हाट भाई, गजब इंसान हो यार तुम भी भाई। उसके पास चलो, आग लग गई इसके पास, चलो यहाँ पे आग सेक लेते हैं भाई, इधर आओ, आ जाओ यहाँ पे बैठ के इससे यहाँ पे बात करते हैं। हाँ अभी मुझे ये बताओ, मैं कैसे मान लूँ कि तुम ही ब्लैक मार्केटर नहीं हो? अरे भाई सुनो, मेरे वर्ल्ड में ना जब भी पैल को इवॉल्व करना होता है, चाहे कोई भी ब्लैक डीलिंग करनी होती है ना, तो हम उस ब्लैक मार्केटर के पास जाते हैं। बट उसकी आदत थी ना कि वो दूसरे यूनिवर्स के ना असली पोकेमॉन्स को पकड़ के पैल वर्ल्ड में लाके ना वो बेचता था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और ऐसी वो ना किसी म्यूटो को पकड़ने के लिए गया और सारा आया ही नहीं वापस। एक मिनट भाई, म्यूटो को? हाँ जहाँ तक भाई मुझे पता है भाई, ये सबसे खतरनाक पोकेमॉन है ना। हाँ, और ना ही तुम्हें दिखाई देगा कहीं वो। तो भाई यार इसको क्या कर सकते हैं? वो छोड़ो, पहले ये सोचो इस वर्ल्ड से जाएं कैसे भाई, क्योंकि मैं तो भाई 2 बार टेलीपोर्ट हो गया हूँ, एक बार पैल वर्ल्ड से पोकेमॉन वर्ल्ड में हुआ और अब यहाँ तुम्हारे वर्ल्ड में आ गया मैं। भाई यार मुझे आइडिया तो भाई मुझे नहीं लग रहा, बट ये लड़की से एक बार पूछ के देखे क्या? बेकार भाई, ये लड़की से भाई बात तो क्या, ये लड़की बोल रही है कि देखो ये चीज में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, हाँ यहाँ पे तुम अगर फंस गए हो तो तुम्हें ना यहाँ पे जो भी सारे बॉसेस है उनको क्लियर करना पड़ेगा, फिर ही कुछ हो सकता है, वरना मैं नहीं बता सकता, ऐसा बोल रही है ये। यानी कि ये 100 से ऊपर बॉस है यहाँ पे, 100 तो नहीं मतलब फिर भी 50 के करीब है, इन सबको मारे मतलब हम। वही ना भाई, एक मिनट, बट भाई मेन बात ये नहीं कि यहाँ पे 50 और 100 बॉसेस, मेन ये कि वो सब अलग है, वो सब पैल्स नहीं, वो सब पोकेमॉन है भाई। अरे भाई यार ठंडी लग रही है, एक काम करते हैं ना, अबे भाई यार यहाँ कहीं पे भाई सो भी नहीं सकते यार, वरना बॉर्डिंग में जाते थोड़ा एक्सप्लोर करते एरिया हम लोग। एक काम करते हैं हम ना, अपना पूरा रात ना इसी के पास बिता लेते हैं, इस लड़की के पास बिताते हैं और सुबह निकलते हैं एक्सप्लोर पे, ठीक है? वही ना, बात तुम्हारी एकदम सही है भाई, यही करते हैं, तो आ जाओ हम लोग सो जाते हैं यहाँ पे। अरे स्वीट भाई वो देखो उस लड़की ने क्या दिया। अरे भाई यार तुम ऐसे डरा दे तो यार, मैं इतनी अच्छी नींद में सोया था भाई। भाई मेरे को दबा जाएगी अजीब सा। अरे टॉर्च दिया इसने, टॉर्च दिया, एक मिनट भाई शुक्रिया। चलो यार पूरा एरिया एक्सप्लोर कर सकते, बट एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं, बट यार एक मिनट, ये यहाँ कहीं पे ना हमें ट्रेजर मिलेगा, रुको मैं ट्रेजर इधर आओ, इधर आओ मेरे पास आओ शुट भाई, ये रहा देखो, वो देखो कैटिवा का स्टैचू। भाई ये कब आया पता नहीं, और ये चेस्ट है यहाँ पे एक, चेस्ट के अंदर आर्मर्स हैं। रुको एक सेकेंड, मैं ये ले लेता हूँ भाई, एक और वो भी ले लो। अरे यार भाई क्या बोल रहे हो? अच्छा गेमर यार एक सेकेंड, ये थोड़ा सही नहीं किया यार तुमने, एक मिनट देखने तो देते क्या है, और तुमने भाई लेजेंडरी स्फीयर उठा लिए, वो पता नहीं कितने थे वो। अरे यार वो
भाई दो ही थे बस। अरे तो तुमने क्रॉसबो तो उठा लिया और एरो सारे उठा लिए, गीगा स्फीयर उठा लो, ये चीज सही नहीं है यार। तुमने बताया लेजेंडरी स्फीयर उठा लिया सारा, एटलीस्ट कम से कम उसमें से आधा तो छोड़ते, एरो तो दो कम से कम आधा, तुमने सारा एरो उठा लिया, मैं क्रॉसबो का क्या करूँ, मैं क्या करूँ भाई थोड़ा सा ले लो ना, इतना गुस्सा क्या कर रहे हो। गुस्सा नहीं कर रहा, सरवाइव दोनों को करना है ना, हम दोनों को सरवाइव करना है। अरे नहीं हाँ मैं समझ रहा हूँ सरवाइव दोनों को करना है, बट हाँ तो वो दे दो, एरो दे दो, कोई नहीं ठीक है तुम रख लो नहीं, बट एक बार एक बात तो सुनो, मतलब एक बात होती है कि बंदे को एकदम थोड़ा प्यार से बोला जाता है, बट तुम हो कि भाई एकदम फुल एटीट्यूड में, मतलब मालूम है कि तुम पैलवर्ल्ड भाई बहुत टाइम से खेल रहे हो। चलो ठीक है चलो ठीक है पहले सॉरी बोलो। हाँ ठीक है सॉरी भाई। गाइस मैंने इस बंदे को कुछ भी एटीट्यूड में नहीं बोला, इसने तुम्हें देखा भक्क देना क्रॉसबो उठा लिया, या तो एटलीस्ट बात तो करता ना भाई कम से कम बंदा, भाई वो भी नहीं। और दिए देखो 500 एरो थे पता है, 500 एरो में से बंदे ने 125 एरो दिए, सच में क्या बंदा है यार। ओए अब आओगे कि नहीं इधर पे, आ रहा हूं यहां पे देखो ये इनको पकड़े क्या रोले, एक को तुम पकड़ लो एक को मैं पकड़ता हूं ठीक है तेरी भैंस की। चल अबे यार गलती से मार दिया मैंने। अरे एक मिनट आ जा पकड़ो। 81% हाँ ये तो आ गई, आ गई। चलो भाई एक मिनट आ गई क्या? हाँ आ गई, अब तो आ गई कंफर्म। ओके 6 लेवल का भाई, लेवल कितनी जल्दी बढ़ रहा है इस वाले वर्ल्ड में। हाँ यार ओ यार मैं हंगरी हूँ यार, कुछ खाते है ना। इधर आओ, इधर नीचे आओ, मेरे साथ आओ नीचे, यहाँ पे तुमको मिलेगा बेरीज, मिलेगी बेरीज, मिलेंगी नीचे, आओ नीचे। वो जिगली पब है यहाँ पे, पकड़ो पकड़ो इनको। जिगली पब ओ यहाँ पे देखो टीम रॉकेट के कैट, टीम रॉकेट की कैट है यहाँ पे, ये बैरिज उठा लो। अरे अरे हाँ म्याओ दे बैरिज उठाओ, बैरिज 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 खा सकते हैं अपन। ओ भाई भाई तुम भाई बैरी उठा के बोल के पूरा बैरी उठा लिए तुम, ये रहा ना। अरे रो कितना रहे हो तुम यार, ये रहा लो उठाओ बैरिज उठाओ, ठूसो जितना ठूसना है। एक काम करो चलो पहले भाई ये मेन चीज पे यहाँ पे फोकस करते हैं यार, बॉस किधर है यार, मुझे बॉस को भाई बॉस को धरना है। अच्छा बॉस तुम मार लिए घुइया, आ जाओ बॉस मारना है ना, आ जाओ आ जाओ तुम्हें दिखाता हूँ बॉस, दिखाता हूँ। एक मिनट भाई मुझे भी कुछ तो दिखा, मुझे भी आ जाओ आ जाओ। चलता फिरता पेड़ है, पेड़ नहीं है वो कछुआ है भाई, वो एंशिएंट टर्टल है भाई, ये तो टोरिटा है 38 भाई, पकड़ पाएंगे हम लोग इसको ना? पॉसिबल नहीं है, अभी पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हमको थोड़ा लेवल अप करना होगा, इसलिए दूसरे पैल्स को पकड़ना होगा। मैं तो कहूँ ना किसी नॉर्मल पैल को पकड़ने चलते हैं भाई, मैं तो ये कहूंगा सबसे बढ़िया। और ये घूमी के पीछे पड़े हो, अरे मार क्यों दिया, मार क्यों दिया, देखो क्रॉसबो यही प्रॉब्लम है, क्रॉसबो यूज करना नहीं आ रहा ना तुम्हें। अच्छा अब तुम मुझे सिखाओगे, ये देखो। अरे अबे भाई मैं उसे पकड़ रहा था, चलो कोई नहीं बट मैं पकड़ लूंगा उसे। दोबारा तुमने उसके ऊपर मेगा स्फीयर फेंका, क्या फेंका तुमने? नहीं भाई मेगा स्फीयर नहीं था, नॉर्मल स्फीयर था भाई। ओके तो चलो ना पहले चिलेट को मारने चलते सबसे बेस्ट, क्योंकि मेरे पास ना एक ही पोकेमोन है, सिर्फ रॉलेट है। ठीक है चलो भाई, मेरे पास यहाँ पे भाई बहुत सारे पोकेमोन्स हैं, मैं उन्हें यूज कर लूंगा भाई। अच्छा गेमर। हाँ भाई बोलो ना। मैं कह रहा हूँ यार कि रात हो जाएगी, काम करते सबसे पहले ना यहाँ बेस बनाते हैं एक छोटा सा सिर्फ सोने लायक, ठीक है? अच्छा उसके बाद चलते हैं अपन, ठीक है? तो सबसे पहले अपन ये बना लेते हैं। ओके सो गाइज हम लोग ना सबसे पहले बेस बनाते हैं, और बेस बनाने के बाद में डायरेक्टली आपसे सीधा मिलता हूँ। ओके सो गाइज हमारा बन चुका है यहाँ पे प्यारा सा छोटा सा बेस, और मेरे ऐसा बेस भाई तुम्हें खुद पता है कोई नहीं बना सकता है। अरे यार ये गेट अजीब सा क्यों लगता है? तो ये देखो ये सीढ़ी से कितना मस्त लग रहा है ना अपना प्यारा सा छोटा सा बेस। यार मेरे पास ना बस एक ही रॉलेट है, और ये अच्छा गेमर कहाँ मर रहा है, उधर ही पता नहीं कहाँ ऐसी तसी करा रहा होगा अपनी। तो गाइज मैं चलता हूँ सबसे पहले ना, देखता हूँ मेरे स्पेयर्स कितने हैं। हाँ मेरे पास स्पेयर्स ज्यादा नहीं है, बट काम चलाऊ है ठीक ठाक है स्पेयर्स। ओके मेरे पास एरोस भी ज्यादा नहीं है, लकड़ियां इकट्ठा कर लेता हूँ, क्योंकि शुरू से सब कुछ शुरू करना पड़ता है ना, बड़ा बेकार लगता है। मैं सबसे पहले ना गाइस मैं चिलेट के पास जाता हूँ, क्योंकि भाई चिलेट को अपने को पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास ना कोई तगड़ा पोकेमोन नहीं है। और फिर ना मैं बिना वो बताए ना जाके प्रीमेरिना को पकड़ूंगा भाई, मैं उस बंदे को नहीं बताऊंगा, नहीं तो खामखा में उसको भी मेरे को ना मतलब बुलाना पड़ेगा, चाहे वो कहीं आके पकड़ ना ले। इसीलिए गाइस मुझे सामने ना 100 बक मिली है, और मैं सोच रहा हूँ, अरे एक सेकेंड, नहीं नहीं रुक जा तेरी भैंस की, चल लग गया बस ठीक है। ओके आ जा तेरे को पकड़ूंगा। ओके यार 11 लेवल वाले को लगा है भाई, भाई सबके सब आ रहे, पूरी मार मत दियो तेरी भैंस की जरा। चल भाई बचा थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं 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 चल भाई चल आ जा। ओके
इसी के साथ हमको एक और शौबक मिल गई है, एक मतलब एक प्यारा शौबक मिला अपना नाम ना कहाँ कहाँ मारी दिया के। चल तू भी आ जा इसी के साथ, चल चल आ जा। गाइस पिंग थोड़ी हाई आ रही है, पता नहीं क्यों आज दिक्कत हो रही है मेरे को, तेरी भैंस की। चल तू भी जाके मार थोड़ा। ओके भाई नहीं 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 ये कैसा अटैक दे रही है, चल आ जा। ओके ओके पैल्स फेयर से तो मुश्किल है इसका आना, मैं हाइपर से पकड़ूंगा डायरेक्ट ताकि ना ज़्यादा मेरे को दिक्कत ना हो। जैसे देखो चांसेस तो हैं 70% गए, इसके आते ही मार दूंगा, छूट गई तो। वाह शेट, गलती से मैंने मार दिया, नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया उसको, डैमेज हो रहा है बे यार। चलो कोई बात नहीं, हम एक काम करते चलते हैं इसको पकड़ने के लिए, हमारा टारगेट है प्रीमिरा को पकड़ना, तो सीधा गाइस मैं वहां पे आपसे मिलता हूं। ओके तो वो कहां है या, अबे ये क्या है एम्पोलियन। ओके इजी है बच्चे, जरा तेरी भैंस की, तेरी भैंस की। ओए अबे नहीं 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 रुक जाओ, ये तो बहुत बुरा मार रहा है। कौन कौन मार रहा है तुम्हारी भैंस की? नहीं 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 छूट जा छूट जा, कहाँ है वो, कहाँ है भाई? ये तो अलग ही पेंगुइन क्वीन लग रहा है मेरे को, या किंग। तेरी भैंस की पेंगुइन क्विंग, क्विंग क्विंग नाम है इसका, क्विंग रख देंगे नाम इसका। आजा बेटे आजा, तेरी भैंस की एक और, आजा 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 आजा। लगी कैसा लगा मजाक, तेरी मर चुका है भाई। क्या कहते हैं वो, अच्छा कि मेरे भाई थोड़ी हेल्प कर दोगे क्या? मैं सोचा थोड़ा इसको आके पकड़ लूंगा भाई, इसे चावल भर दिया मेरे। अरे यार गए थे 30 मार खा मन ने। अरे यार मैं गिव अप कर रहा हूँ, गिव अप कर रहा हूँ, गिव अप कर रहा हूँ। अरे ठीक है ना, गिव अप कर दिया मैंने भाई। तुमने छत नहीं बनाया, तुम्हें बोला था ना छत बना दो, यहाँ पे छत तो बना दो कम से कम। भाई देखो घर बनाने का काम तुम्हारा था ना कि मेरा भाई, तो तुम अब बना दोगे तो क्या हो जाएगा? मैं छत नहीं बनाया कि मेरे से बन नहीं रहा था, लकड़ी खत्म हो गई थी मेरे पास इसलिए। ओके सो गुड मॉर्निंग गाइस, बेकार भाई, गुड मॉर्निंग क्या कर रहे हो भाई? गुड मॉर्निंग भाई, बस भाई चलो यार पहल को पकड़ने, भाई एक बंदे को पकड़ना है यार। अच्छा ठीक है चलो भाई आ जाओ, आ जाओ बोलो कहाँ पे जाना है। चलो यहाँ पे फास्ट ट्रेवल कर लेते हैं। ओके भाई फास्ट ट्रेवल खुला भी तो होना चाहिए भाई, मैं बताऊँ ग्रे निंजा को पकड़ने चलते हैं, ग्रे निंजा बहुत फेमस पोकेमोन है। अच्छा अच्छा हाँ 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 अरे यहाँ पे मर्चेंट है, इस मर्चेंट से अपन ना सैडल ले सकते हैं, अपन यहाँ मर्चेंट है और उससे थोड़ा बहुत सामान वगैरह खरीद सकते हैं भाई। अच्छा ठीक है भाई। ओके मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, एक अपना शौबक सेल कर रहा हूँ ठीक है मैं, और दूसरे वाले से जाके ना मैं सैडल ले लेता हूँ। तुम्हारे पास कौन सा पैल है जिसका सैडल होगा बता दो मेरे को, मैं वो सैडल ले लूंगा। ओके सो गाइस हम लोगों ने सैडल खरीद लिया। अरे भाई तुम बैठ गए, चलो भाई आ जाओ, भाई आ जाओ अब ठीक है, अब जल्दी आप पहुंच पाएंगे उसके पास। इसको मारना है भैंस की टंग, तेरी भैंस की भाट यो मेरे तबड़क तबड़क घोड़े, इसकी भैंस की टुच्चियां भर देते हैं भाई हम लोग। अपने को वहां जाना है, पता है ना कहां जाना है? आओ तुमको जैबरा दिखाता हूँ भाई। ये कौन सा पोकेमोन है जैबरा, जैब क्या नाम है इसका, जैब स्ट्राइक भाई, कितना मतलब खतरनाक लग रहा है, आगे देखो जल्दी आओ। अरे मेरे पे भड़क गया, ये मेरे पे भड़क गया, नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ ये भाई, भाई मरो भाई, दे दिया पहचान, दे दिया मेरे को। मैं एंट्री भी कर लिया अंदर, हाँ मैं तो एंट्री भी कर लिया, जल्दी आओ। अरे अरे रुको यार, आया मैं आया। अरे तुम्हारी भैंस की तीतर भाई, ओ भैंस की आँख भाई, भाई यार ये तो बहुत भयंकर लग रहा है भाई। वो मेंढक है, उसने मफलर तो देखो क्या पहन रखा है, उसने मफलर पता क्या लगाया है, उसने अपना वो लगा रखा है, अपना जीभ। अरे शी भाई, शी कितना बेकार है भाई, पर बहुत खतरनाक फेमस पोकेमोन है ये, तुम्हें पता है बहुत फेमस। चल भाई तुम्हारा तो भाई जिराफ का कुत्ता भर दिया इसने भाई भाई गया। ओए मेरे को क्यों मारा, तेरी भैंस की ये ले। रुको ये क्या डैमेज दिया, रुको मैं थोड़ा मेरे पावरफुल पोकेमोन डालता हूँ ना मैं। चल यहाँ से मेरे पास रोलेट है, रोलेट मार के देखूं, रोलेट से क्या होगा, रोलेट नहीं रोलेक्स, इसका नाम रोलेक्स रख दूंगा तेरी। मिस हो गया मेरा एक डैमेज, मेरे को एरोस चाहिए। हाँ मेरे को एरोस दे देना, शायद तुमने उठा ली थी भाई सारी, आधा तो दिया तो अच्छा था, 125 दिया था, एक चौथाई दिया था ठीक है, 500 का, ज्यादा दिमाग मत खराब करो। अबे गायब भाई, ये टेलीपोर्ट हो रहा है भाई सामने से मेरे, भाई मेरे सामने आ गया जस्ट ये, एक सेकंड रुको रुको रुको, ये गया गया, ग्रे निंजा है ये, ग्रे निंजा है ना, रुक जा तेरे को साले पीलिया निंजा बनाऊंगा मैं, पोछा लगवाऊंगा इससे, देखो इससे ना पोछा लगाने की निंजा टेक्निक निकलवाऊंगा, रुक जा बेटे इधर आ, तेरी मैं अब मिस हो गया। चल भाई आजा एक मिनट, अब ट्राई करता हूँ पकड़ने का, आ जा ये ग्रे निंजा चला जाएगा भाई। नहीं आया, मेरा स्पेयर वेस्ट हो गया, डैम। चलो भाई और करो थोड़ा। ओके भाई सबसे ज्यादा डैमेज मैंने दिया है, मेरे को पकड़ने देना यार प्लीज,
भाई वो तो किस्मत में रहता है ना। एक और ले। अबे मेरा यार वो गुप मार दिया भाई, किस्मत नहीं, तुम्हारे पास लेजेंडरी स्फीयर है, तुम एक मारोगे पकड़ में आ जाएगा, ठीक है? अगर इतना ही किस्मत अच्छा। अजमाना है ना तो भाई ठीक है, आ जाओ। हाँ। मेगा मेगा से भिड़ लो, मेगा मेगा और क्या। अच्छा ठीक है, मेगा मेगा ना। हाँ तुम्हारी भैंस की, ये लो तुम्हारा सस्ता जिराफ चांदनी चौक वाला गया। एक मैं रुको ना, अब नहीं बचेगा ये, तेरी भैंस की, ये ले। रुक जा अरे भाई, एक मिनट, बट मैं इसे पकड़ लूंगा भाई। अरे नहीं रुक जाओ यार, फेयर रखना भाई, नहीं मेगा से फेंको, मेगा या फिर कोई वैसा हो तो भाई ठीक है। भाई मेगा से ही फेंकूंगा, मेगा से। हां तो फिर मेरे को भी ट्राई करने दो, रुक जाओ। हां नहीं, अबे गाइस वाह, लेजेंडरी फेंक के बोल रहे हो कि मेगा? भाई लेजेंडरी स्फीयर फेंका तुम भाई, वो मेगा स्फीयर था भाई, बॉस की कर दिया भाई मैंने। रहने दो, मेरे को दिखा, मैं अंधा नहीं हूँ, साफ दिखा, वो लेजेंडरी स्फीयर फेंका है तुमने। खा लो मां कसम, तुमने लेजेंडरी नहीं फेंका, बोलो खा लो कसम भाई, तुम्हारी कसम यार। हाँ बस ठीक है, मैं समझ गया। अरे यार ये फिर भाई लेजेंडरी तो तुम उठा लिए, मेरे को भी तो लेजेंडरी देते कम से कम दो, तो मैं भी ट्राई कर लेता। भाई यार अभी इधर से निकलो पहले भाई, तुम्हें लेजेंडरी फिर फेंका, ऑब्वियस बात तो आ जाएगा भाई। लेजेंडरी कहाँ 50 लेवल के पोकेमोन को पकड़ने के लिए बना है। अरे भाई बट मुझे आइडिया नहीं था ना यार उतना। छोड़ो यार, एरो भी तुमने सारे रख लिए, क्रॉस बो उठा लिया, सारे बड़ी बड़ी चीजें तुमने उठाई। अब देखो, अब मैं क्या ही बोलूं, बस हो गया ना भाई, इतना क्या वो करना भाई, एक और पकड़ लेना या तुम ही रख लेना ये ग्रे निंजा। मैं कहाँ से रखूंगा जब तुमने उठाया है तो दूसरा रख लेना ना भाई तुम। ये पकड़ में आ जाए बस, ठीक है। एक और मेरे को पोकेमोन तो मिल गया, एक कुछ सस्ता सा, तनी क्या नाम है इसका, वूलपूप नाम है भाई। यार इसको तो पूरा डैमेज मैंने दिया था। ओ, ये लो, अब आओ जल्दी से, हो गया। मैं नहीं दूंगा मेरी भाई, अब तुम ऐसे ही मरो भाई, ये तुम्हारा ही कर्मा है, इंस्टेंट कर्मा भाई। अगर तुम मुझे कसम से रिवाइव नहीं देते ना तो फिर आज हो जाता पूरा बवाल, समझे क्या? अरे रहने दो, रहने क्या दो भाई। अरे छोड़ो भाई, सिर्फ क्या बोलूं मैं, अच्छा गेमर मत बोलो, रहने दो। एक मेरे पास एक और आ गया। नहीं ओ, वो तुम्हारे पास नहीं, वो मैंने पकड़ा है। क्या यार ये देखो, तुमने उसको भी वो कर दिया यार, बताओ मेरे पोकेमोन ने उसको मारा और लास्ट में मैंने स्फीयर फेंका, मेरे स्फीयर भी तुमने वेस्ट करवा दिया यार, ऐसे थोड़ी ना चलेगा यार भाई, या तो टीम की तरह खेल लो। नहीं भाई तो तुम क्या अपने आप को ज्यादा प्रो समझ रहे हो, अगर ऐसा ही है ना। हाँ नहीं मैं प्रो नहीं समझ रहा। नहीं तो फिर बात क्या है, हो गए हो गए। चलो ठीक है ठीक है, एक काम कर लो, चैलेंज कर लो ठीक है, इतना तुमको हुआ है तो ठीक है। आज से ठीक 30 दिन बाद मिलते हैं यहीं पे पोकेमोन वर्ल्ड में, ठीक है? 30 दिन बाद मिलते हैं, एरिना में मिलते हैं, देखते किसके पास पोकेमोन है। और सबसे पहले मैं जो पोकेमोन में सबसे पहला जो पोकेमोन है ना, ये टॉर्टेरा, देखते हैं इसे कौन मारता है, ठीक है? ठीक है चलो, या तो मैं तुम्हें इससे भी अच्छा और अच्छा चैलेंज कर रहा हूँ भाई, तुम पहल वर्ल्ड में बहुत अच्छे थे, मैं तुम्हें पोकेमोन में चैलेंज कर रहा हूँ कि आज से भाई 30 क्या तुम 60 दिन ले लो, जितने दिन ले लो ओके, उतने दिन बाद भाई हम लोग अरीना ट्रेनिंग में अपने पैल के साथ, अपने पावरफुल पैल के साथ आएंगे, देखेंगे कौन सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जो बंदा हारेगा ना उसे भाई झुक के रहना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड, ठीक है। तो चलो अब से तुम भाई, अब से तुम्हारे मेरे रास्ते एकदम अलग है, ठीक है? चलो ठीक है ठीक है, चलो बाय। हाँ ठीक है भाई, हाँ हाँ ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, हाँ हाँ जाओ जाओ, चलो ठीक है। ओके सो गाइस देखो, मैं आप दूसरे रास्ते जा चुका हूँ, अब मुझे ना उस हराम खोर को ढूंढना है, अपने ग्रेटीना को, जिस सुअर के वजह से ना मैं फंसा हूँ, तो मेरे को तो ना उस ग्रेटीना को ढूंढना है, ताकि उससे ना मैं अपने वर्ल्ड में जा सकूँ और नए नए पोकेमोन्स को ना पकड़ के इस अच्छा गेमर को बता सकूँ। मेरे को चैलेंज दिया है ना, देखता हूँ ये टॉर्टेरा तक नहीं पकड़ पाएगा भाई, देख लेना गाइस। अगर तुमको विश्वास नहीं है ना तो मैं उसका चैनल का ना लिंक डाल रहा हूँ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? और इसको भी जाकर तुम सब्सक्राइब करो और देखते रहना ये कितना प्रोग्रेस करता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तुम लोगों ने देखो मेरा पोकेमोन का वीडियो देखा होगा ना, मैंने अब तो टॉर्टेरा नहीं पकड़ा ना इसने पकड़ा, दोनों की शुरुआत सेम लेवल से हुई है ना, और देखना तुम खुद देखना टॉर्टेरा को पहले कौन पकड़ता है, और उसके बाद ये एरिना चैलेंज बोल रहा है ना, एरिना चैलेंज में भी मैं ही जीतूंगा भाई, 100% कंफर्म है, ठीक है? तो आई होप गाइस आपने एंजॉय किया होगा, ये था हमारा अच्छा गेमर टट्टी प्लेयर, तो इसके साथ मैंने खेल लिया और हम पोकेमोन में फंस चुके हैं, पोकेमोन वर्ल्ड में। और बाकी आप और वीडियोस भी देख सकते हो, सामने शो हो रहा होगा, और बाकी के लिए मैं आता हूं।